अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। जी हाँ, प्रयागराज से ही अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां उमेश पाल हत्याकांड का बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अतीक के बेटे असद का नाम FIR में यहाँ पर जोड़ा गया है। अतीक के गुरगो साबिर सदाकत का नाम भी इसमें जोड़ा गया है। घटना के बाद जो है FIR दर्ज में इनका नाम नहीं था। तीनों का नाम अतीक के तीसरे बेटे असद को भी इसमें नामजद किया गया है। जांच बढ़ाने के साथ ही असद को भी नामजद किया गया है। हत्या समेत कई गंभीर धाराएं इन पर लगाई गई है। 24 फरवरी को जो है उमेश पाल की हत्या हुई थी, और उससे जुड़े अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अतीक के बेटे असद का नाम भी FIR में जोड़ा गया है। आपको बता दें अतीक के गुरगो साबिर सदाकत का नाम भी जोड़ा गया है। घटना के बाद FIR में इन तीनों का नाम नहीं था, मगर अब इनका भी नाम जोड़ा गया है, और कई गंभीर धाराओं पर इन पर जो है मामला दर्ज है। प्रयागराज से आपको अपडेट दे रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट एक्सक्लूसिव आपको MKN न्यूज के जरिए हम बता रहे हैं, जहां अतीक के बेटे असद का नाम भी FIR में जोड़ा गया है।